हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक तो हमारा है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और हमारा दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, या आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, या करंट कैरिंग वायर बोल सकते हैं, या करंट कैरिंग कंडक्टर बोल सकते हैं, और एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, हम ये मानते हैं कि सपोज ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारा, यहाँ पर हमने माना कोई एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है क्यू। अब ये जो आपको सामने रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको हम अलग से इसका दूसरा डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अब ये जो आपके सामने रेक्टेंगल दिख रहा है, इसी का हमने साइड व्यू बनाया है। देखिए, वो इसलिए क्योंकि आपको समझाने में थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि हमने जो इसका डायरेक्शन माना है मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमारा आउटवर्ड है, मतलब कि स्क्रीन का आउटवर्ड है, मतलब कि स्क्रीन से बाहर की तरफ है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब देखिए क्या है, ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल था क्यू, माना कि हमने ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, ये सेम चीज़ है, बस ये सामने का फ्रंट व्यू है और ये उसका साइड व्यू है। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, माना हमने कि वी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ये भी हमारा वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है इस वाले रेक्टेंगल में, और यहाँ पर क्या, आउटवर्ड मतलब कि इसके सरफेस के परपेंडिकुलर। अब देखिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और जो इसका जो चार्ज पार्टिकल जो ये मूव कर रहा है, इसका जो मोशन है ये सरफेस के अलॉन्ग होगा, यानी कि इसी सरफेस पे है। और जो फोर्स होगा हमारा, वो फोर्स क्या होगा, फोर्स हमारा होगा कुछ ऐसा जो कि मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 डिग्री होगा और वेलोसिटी से भी 90 डिग्री होगा। इसको अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये हमारा ऊपर जो है, ये हो गया हमारा फोर्स, ये हो गया हमारा फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इससे आउटवर्ड है, मतलब कि स्क्रीन के बाहर है। ये जो यहाँ पर दिख रहा है ऐसा नहीं है, इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं, स्क्रीन से बाहर है। तो ये क्या है, इससे भी 90 डिग्री है और इससे भी 90 डिग्री, मतलब कि फोर्स जो है हमारा वेलोसिटी से भी 90 डिग्री है और मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 डिग्री है। और आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी के साथ फोर्स अगर 90 डिग्री होता है, तो वो क्या होता है, वो एक सर्कुलर मोशन होता है, स्पीड चेंज नहीं होती सिर्फ, ये आपको पता है, वो जो एक पाथ बनाता है वो एक सर्कुलर पाथ बनाता है। तो अब क्या होगा, अब हमने मान लिया कि ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है मूव कर जाएगा, हो सकता है यहाँ कहीं आ जाएगा। अब जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ये इस पर फोर्स हो जाएगा। इस वाले डायग्राम में भी बना लेते हैं, मान लीजिए कि मूव हुआ, यहाँ आ गया, अब जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये फोर्स हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन से आउटवर्ड इस सरफेस के 90 डिग्री, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। अब ये आप सबको पता है कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अब हमने माना, अब देखिए आप ये वाला डायग्राम देखिए, आपको सबको पता है कि ये सर्कुलर पाथ एक फॉर्म करेगा, यानी कि सर्कुलर मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन होगा तो हमने मान लिया कि ये एक सर्कुलर मोशन है, ये वाला आप डायग्राम देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि ये सपोज हमारा एक चार्ज है, यही पॉजिटिवली चार्ज है क्यू, ये इसका मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन है। इसी डायग्राम को मैंने इधर भी दिखाया हुआ है, सेम चीज़ है ये। अब देखिए क्या है, जो हमारा क्यू चार्ज पार्टिकल है, इसका हम मान लेते हैं कि इसका मास हमारा है एम, और हमें पता है कि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है ये हमारा होगा आर, रेडियस होगा आर। ये हमारा जो चार्ज पार्टिकल है ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब जब वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस पर एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ऐसे ही एक इनवर्ड फोर्स लगेगा, इनवर्ड फोर्स होगा सेंट्रीपेटल फोर्स। तो आउटवर्ड फोर्स जो होगा, ये हमने माना कि ये है एफ सी, और ये क्या होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर
ऐसे ही इनवर्ट इनवर्ट क्यों लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और जो ये चार्ज पार्टिकल है इसका मूवमेंट हो रहा है, ये मोशन में है, इसकी वजह से इनवर्ट एक फोर्स लगेगा जिसको हमने बोल दिया सेंट्रीपेटल। एक इनवर्ट फोर्स लगेगा सेंट्रीपेटल, इसको हमने नाम दे दिया एफ सी डैश। एफ सी डैश हमारा क्या होता है? एफ सी डैश हो जाएगा हमारा क्यू वी बी। अब देखिए क्यू वी बी क्या होगा? साइन थीटा, अगर हम पूरा फॉर्मूला लिखते हैं साइन थीटा, थीटा क्या है हमारा? 90 डिग्री। थीटा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, वो कितना है? 90 डिग्री। तो जब 90 होगा तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी? 1। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू वी बी, ये हो गया हमारा एफ सी डैश, और ये हो गया हमारा एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो हमारे फोर्स लग रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स, दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब कि एफ सी इज इक्वल टू एफ सी डैश, ये दोनों बराबर होने चाहिए हमारे। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ सी क्या है? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और एफ सी क्या है हमारा? क्यू वी बी। वी से वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि हमें रेडियस पता चल जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा हमारा? एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है टाइम की। अब टाइम हम कैसे निकालें? अब देखिए क्या है, सर्कुलर पाथ है हमारा, सर्कुलर पाथ में जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है। तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है हमारा टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड। पाथ लेंथ आपको पता है सर्कुलर मोशन है, तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वही हमारा पाथ लेंथ होगा। सर्कमफेरेंस मतलब कि पूरा ये जो मूव करेगा पूरा चार्ज पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक, यही सर्कमफेरेंस है। ये क्या होता है हमारा सर्कल का? आप सबको पता है 2 पाई आर, ये हो गया हमारा पाथ लेंथ। स्पीड क्या है? वी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। अब आर की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर मिल चुकी है, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 पाई mv डिवाइडेड बाई क्यू बी डिवाइडेड बाई वी। वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये है आपका टाइम। बस यही दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। यही दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। अब देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसी फार्मूले पे बेस्ड है, चलिए देखते हैं। अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलॉम एंड अ मास ऑफ 10 मिलीग्राम इज प्रोजेक्टेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 50 टेस्ला विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इफ द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर है मतलब कि थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर बींग प्रोजेक्टेड। मतलब कि आपको पता है सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो क्या होगा, जब यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर है कोई चार्ज पार्टिकल, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, इसके बाद वापस आके यहीं पर आएगा, तो पूछा है कितनी देर में वो वापस आएगा। चार्ज पार्टिकल का चार्ज दिया हुआ है हमें, टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला है अभी आपको बताया है, क्या होता है हमारा? 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। बस वैल्यू पुट कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा, 2 इंटू पाई, मास कितना दिया है? 10 मिलीग्राम, यानी कि हो जाएगा हमारा 10 × 10⁻⁶ किलोग्राम डिवाइडेड बाई चार्ज कितना है? 200 माइक्रोकूलॉम, 200 × 10⁻⁶ कूलॉम हो गया। बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है? 50 टेस्ला, 50 पुट कर दीजिए। सारी SI में, SI यूनिट जो भी होती है उसी में हमको कन्वर्ट करना होता है। सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में चेंज करना होता है, ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में चेंज करना होता है, मिलीग्राम में दिया है तो भी किलोग्राम में चेंज करना होता है। इसके बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी टाइम की, सॉल्व कर लीजिए। 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये ऊपर जाएगी अगर पावर तो प्लस हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, क्या हो गया हमारा? 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 2 × 3.14 यानी कि 6.28 डिवाइडेड बाई 5 × 2 200 यानी कि 1000। सो आंसर क्या है हमारा? 0.00628 सेकेंड्स, ये है हमारा इसका आंसर। ये समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के जो भी आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में मिलते हैं तो वहाँ से करिए, SC वर्मा में मिलते हैं तो वहाँ से करिए।
अब इसके बाद जो हमारा जो अगला टॉपिक है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर फोर्स, या इसको बोलिए आप मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए सपोज हम मानते हैं कि ये हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर हमने एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया है, इस पर ये करंट फ्लो कर रहा है और इसका कंडक्टर का लेंथ है L। अब देखिए आपने फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तो क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वी बी इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एफ क्या होगा हमारा, क्यू वी बी। अब देखिए क्या है, जब भी जो चार्ज जो हमारा कंडक्टर होता है करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो जो वहां पर जो मूव करते हैं जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर जो वी है इसको हम लिख सकते हैं वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए इसमें होता क्या, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम मानते हैं कि ये जो हमारा कंडक्टर है इसका हम बहुत छोटा पार्ट लेते हैं, बहुत छोटी लेंथ लेते हैं, उसको हम मानते हैं डीएल। उसको अगर हम डीएल मानते हैं और हम बोलते हैं कि जो फोर्स हमारा लग रहा है वो डीएल लेंथ पर लग रहा है, बहुत ही स्मॉल लेंथ पर, डीएल लेंथ पर लग रहा है, तो जो फोर्स होगा हमारा वो भी बहुत कम होगा। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डीएफ इज इक्वल टू क्यू वी डी बी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन डीएल लेंथ। करंट कैरिंग कंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इसको हम मानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं एज अ ई, ई मतलब कि इसलिए लिखा है, ये है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और वेलोसिटी आप सबको पता है, वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है हमारा वेलोसिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ इज इक्वल टू ई डी एल बाई डी टी इंटू बी, यही तो होगा हमारा। अब देखिए ये क्या है हमारा, जो ये फोर्स लग रहा है ये डीएल लेंथ पर लग रहा है। अब अगर हम मानते हैं फोर्स ऑन कंप्लीट लेंथ, तो जब पूरी लेंथ पर होगा तो क्या होगा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, फोर्स ऑन कंप्लीट लेंथ, कंप्लीट लेंथ के लिए क्या होगा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, इसका जो चार्ज है हमारा ई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डी एफ हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, फोर्स ऑन कंप्लीट लेंथ, और ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू, डी एल बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा हमारा, एल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, और ये कैपिटल बी, डी क्यू बाई डी टी चार्ज ओवर टाइम। आप सबको पता है क्या होता है ये चार्ज ओवर टाइम, ये क्या होता है करंट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, यही है वो फोर्स, फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है, यही है वो फोर्स जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर लग रहा है, इसकी वजह से जो लग रहा है। अब देखिए क्या है, हमें क्या पता करना होता है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। अब फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या पता करते हैं, हम पता करते हैं, हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देखिए उसमें क्या होता है, अब यहाँ पर जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें करंट क्या है, कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पर इनवर्ड लिया हुआ है। अब आप ये देखेंगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमने इनवर्ट लिया हुआ है, करंट हमारा आउटवर्ड जा रहा है। आप यहाँ से समझ लीजिए, इसको हमने मान लिया है ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारा करंट का डायरेक्शन, तो ये जो होगा हमारा जो थंब होगा ये हमें बताएगा फोर्स का डायरेक्शन, क्या बताएगा हमें, फोर्स का डायरेक्शन। अगर देखिए यहाँ पर हमारा जो कंडक्टर था मैंने कैसे लिया हुआ था, अगर हम इसको ऐसे ले लेते हैं, सपोज ये हमारा कंडक्टर है, ये है हमारा कंडक्टर, करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है
और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, हमारा ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फोर्स होगा हमारा वो क्या होगा आउटवर्ड, ये होगा हमारा फोर्स, यही मैंने आपको इस डायरेक्शन में बताया हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा, जो ये हमारा फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जो ये मिडिल फिंगर है ये क्या है डायरेक्शन ऑफ करंट, या आप बोल सकते हैं वी भी लिख सकते हैं इसके, इसको वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स जो हमारा होगा वो क्या होगा, जो थंब का डायरेक्शन है वो हमें बताता है फोर्स, या आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब इससे रिलेटेड एक एस सी वर्मा में न्यूमेरिकल दिया गया है, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये एस सी वर्मा में दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 34.3 ऑन पेज नंबर 223। ये फिगर दिया गया है, इसमें बोला गया है हमसे दिस फिगर शोज अ ट्रायंगुलर लूप पी क्यू आर कैरिंग अ करंट आई। ये पी क्यू आर एक हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल विद एज लेंथ एल, यानी कि जो एज है उसकी सबकी लेंथ हमारी, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर पी, ये हमें दिया गया है एल। और बोला गया है अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, एक मैग्नेटिक फील्ड है एग्जिस्ट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू पी क्यू, यानी कि ये जो हमारा पी और ये क्यू है इसके पैरेलल में हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द फोर्सेस ऑन थ्री वायर्स, फोर्सेस ऑन थ्री वायर्स पी क्यू क्यू आर एंड आर पी। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी आपको पीछे फॉर्मूला बताया है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब देखिए करंट जो है हमारा, जो हमारा फोर जो ये करंट है ये क्या है आई दिया गया है, लेंथ क्या दिया गया है सबका लेंथ एज जो है वो सेम दिया गया है एल, तो अगर एल दिया है तो आप इसको एल लिखा रहने दीजिए। बाकी क्या है अगर पी क्यू के लिए हम लेंगे तो हम यहाँ पर एल की जगह पी क्यू लिखेंगे, उसको फिर बाद में हम क्या कर देंगे इज इक्वल टू एल ही लिखना पड़ेगा, तो इसको एल लिखा रहने दीजिए। अब हमें क्या है मेन चीज़ जो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है डायरेक्शन, मतलब कि जो एंगल हमें बताना है थीटा। अब देखिए पहले हम लेते हैं सपोज हमारा जो वायर है वो है पी क्यू, ये है पी क्यू हमारा। अब इस पर हमसे पूछा गया फोर्स क्या होगा, तो फोर्स क्या होगा आई इंटू एल इंटू बी। अब साइन थीटा मतलब कि जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, ये हमारा करंट है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच का करंट कितना है हमारा, सॉरी करंट बोल रहा हूँ मैं, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है कितना है 0 डिग्री। तो जब साइन 0 क्या हो जाएगा हमारा 0, मतलब कि ये पूरा क्या हो जाएगा वैल्यू हमारी 0, यानी कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा 0। यहाँ तक समझ में आ गया पहला, करंट और मैग्नेटिक फील्ड का हमें क्या देखना होता है कि किस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है पैरेलल है पी क्यू के, करंट भी उसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, इसका मतलब एंगल जो होगा वो क्या होगा 0 डिग्री। तो साइन थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा हमारा 0। अब दूसरा वायर लेते हैं क्यू आर, या इसको बोल देते हैं आर क्यू। अब देखिए इस पर जो फोर्स होगा क्या होगा, फॉर्मूला वही है आई एल बी साइन थीटा, हमें सिर्फ पता करना है थीटा। करंट आई दिया गया है, लेंथ एल दिया गया है, बी को बी लिखा रहने दीजिए साइन थीटा। अब देखिए क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब हमें पता है ये कितना होगा हमारा 60 डिग्री, 60 तो होगा, इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये एंगल दिया गया है 60, तो ये एंगल कितना होगा ये भी हमारा 60 होगा, और ये पूरा जो स्ट्रेट लाइन है पूरा होता है हमारा 180, इतना 60 हो गया तो ये बचा हुआ कितना होगा 120 डिग्री। बस यहाँ पुट कर दी आई एल बी साइन 120, 120 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये फॉर्मूला जो फोर्स निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा आई एल बी इंटू √3/2, ये हो गया हमारा फोर्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2 आई एल बी। अब तीसरा वह बिल्कुल सेम वैसा ही है, उसमें आपको बताना है देखिए ये 120 क्यों होगा, ये है हमारा करंट का डायरेक्शन और ये जो है हमारा उसका दिया हुआ है क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हमसे पूछा क्या है ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल फाइंड कर लें तो हम बता सकते हैं ये एंगल हमें कितना मिल रहा है 120 मिल रहा है।
मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का जो डायरेक्शन है ये कितना है, 120, 120 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। सेम ऐसे ही थर्ड वाला भी है, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एंगल कितना होगा, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, एंगल होगा 120। अब जब हमारा एंगल 120 होगा तो सेम चीज़ है, 120 पुट कर दीजिए, हमें फोर्स मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, √3/2 ILB। यहाँ भी 120 पुट करेंगे वही वैल्यू आएगी, यानी कि पी क्यू वायर है इस पर जो फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा, आर क्यू पर कितना होगा, √3/2 ILB, और ऐसे ही हमारा आर पी है, आर पी पर कितना फोर्स होगा वो भी होगा हमारा √3/2 ILB। ये है सिंपल सा, बाकी अब कोशिश करिएगा आप NCERT की बुक से जो भी आपको प्रॉब्लम्स मिलती हैं उसको सॉल्व करिए, SC वर्मा में जो भी मिलती हैं उसको सॉल्व करिए, और कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।